हेलो। हाँ भाई, ये फिर लोचा हो गया भैया। फिर हाँ भाई, हेमंत प्रताप, वेरी गुड इवनिंग। गगन कुमार, वेरी गुड इवनिंग डियर्स। हाँ भाई, नितिन यादव, वेरी गुड इवनिंग। गगन कुमार, गुड इवनिंग। हाँ बेटा, वो पहले वाली क्लास थी तो कट हो गया बीच में, लाइट गई तो उस समय कट हो गया, क्योंकि अब ये तो उस वीडियो को हमने फिर वहीं पे क्लास को छोड़ दिया, क्योंकि अब हमारा ये 7 बजे का जो टाइम था वो वोकैब का था, तो उसमें उसे हम नाउन वाले को कल कंप्लीट कर कल वहां से ही कंटिन्यू करेंगे, और बाकी का। हाँ भाई, ठीक है सर, थैंक यू सर। देखिए, शीलेन सर कुछ बता रहे हैं आप लोगों को। रोहित यादव, वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। चलो भाई, है ना, शुरू बात करते हैं हम लोग। तो भाई, कॉपी पेन लेके बैठिएगा, और देखो एक चीज समझिएगा, ये जो मैं आपको वोकैब लर्न करा रहा हूँ, मेरा कोई ये मकसद नहीं है कि आप सिर्फ अपने एग्जाम को दें और बाकी उसके बाद में भूल जाएं। ये वोकैब आप एक बार तैयार करोगे, इस तरीके से हम इसको तैयार कर रहे हैं, इसीलिए हम इसके रूट वर्ड्स को डिस्कस कर रहे हैं। एक बार आप तैयार करोगे, जिंदगी भर तक काम में आने वाला है। आप कुछ भी कर रहे हैं, कोई सा एग्जाम दे रहे हैं, आगे कोई सा भी एग्जाम देंगे, हर एग्जाम में ये वो वोकैब है जो अक्सर कर आती ही है, और उसके जो रूट्स हैं आप देखिए, आज देखते हैं कि हम एक एक रूट से कितने, एक रूट है और उसी रूट से कम 10 to 12 वर्ड्स को तैयार कर सकते हैं एक से ही, बड़ी आसानी से, है ना। तो फिर हम लोग साथियों स्टार्ट करते हैं, और आप सब लोग एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा, है ना, इतना काम आप लोगों का है, जल्दी से करिए, फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है भाई, चलो देखिए। तो देखें आप, आज का पहला शब्द, कल वाले शब्द जो आपने लर्न किए होंगे, रिवीजन भी किया होगा मुझे उम्मीद है, और आप उसका रिवीजन कर दें। अब देखिए, शुरुआत करते हैं। जैसे आज का पहला वर्ड देखिए, आपके सामने स्क्रीन पे लगा हुआ है और इसको हमें लर्न करना है। देखो भाई, पहले नंबर पे लिखा है, वेरी गुड इवनिंग हेमंत प्रताप। अब शुरुआत करते हैं हम लोग बेटा, है ना, स्क्रीन आप लोगों को सबको सही दिख रहा होगा। चलो शुरुआत करते हैं। पहला, मैन हु इज वुमेनिश इन हैबिट्स, एक ऐसा व्यक्ति जो आदत में, आदतें उसकी महिलाओं जैसी होती हैं। वेरी गुड इवनिंग सर जी। आगे देखिए,
ऐसे व्यक्ति को एफिमिनेट बोला जाता है। श्यामपाल यादव, वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, और सब लोग लाइक और शेयर कर दीजिए एक बार, जिससे कि सारे स्टूडेंट्स को पता लग जाए। चलो भाई शुरुआत कर लेते हैं। तो एक ऐसा व्यक्ति जो आदत से वुमेनिस्ट होता है, ऐसे व्यक्ति को आपने देखा होगा जन का बोला जाता है ना। अंग्रेजी में उसके लिए एक टर्म है एफिमिनेट। एफिमिनेट का मतलब होता है वुमेनिस, जिसकी हरकतें महिलाओं जैसी हो। रिंकू राजपूत, वेरी गुड इवनिंग बेटा, जल्दी से जुड़ते जाओ, बहुत लेट हो गए आप लोग। देखो मैं टाइम से आ गया हूं लेकिन आप लोग लेट हैं। चलो भाई देखिए, अब इसके रूट को समझिएगा। देखो शब्द कुछ ऐसे लिखा हुआ है एफिमिनेट, AFFEMINATE, ऐसे ही है। इसको अलग अलग करते हैं, देखिए इसमें देखें तो ये फेमिना अलग हो जाएगा। इस फेमिना का मतलब होता है फीमेल के लिए आता है, ठीक है, या वुमेन कह सकते हो, ये वुमेन के लिए आता है, महिला के लिए आता है। और ईएफ का मतलब है एक्स, एक्स का मतलब होता है, वैसे तो एक्स का मतलब आउट करना होता है, जो वुमेन को आउट करे, मतलब उसके लक्षण वुमेन जैसे बाहर निकले। इसका मतलब ये हुआ जिसका व्यवहार, जिसके व्यवहार में वुमेन जैसी हरकतें आ रही हैं, उसको हम वुमेनिस बोलेंगे, यानी कि वो व्यक्ति कहलाएगा जिसमें, यानी जिसको हमने अभी यूज किया था, जन का शब्द यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, माई फ्रेंड स्पोक इन एन एफिमिनेट वॉइस, मेरे फ्रेंड ने बोला, कैसी, महिलाओं जैसी आवाज में बोला। एफिमिनेट वॉइस का मतलब महिलाओं जैसी आवाज। अमित, तेरे में ही हो रही है बफरिंग या मेरे में भी? गगन कुमार, हाँ भाई बफरिंग तो नहीं हो रही होगी, अभी लग रहा होगा आप लोगों को, नहीं होगी, देखो थोड़ा बहुत होगा। हाँ भाई देखिए आगे, हाँ भाई गगन कुमार, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एफिमिनेट। फेमिना मिला जो किसकी बात करता, वुमेन की। ईएफ मिला जो रूट है, जो किसकी बात कर रहा है, एक्स की, या आप कह सकते हो एक्सप्रेसिंग ए चेंज ऑफ स्टेट, जो एक बदलती हुई अवस्था को शो करे। और फेमिना मतलब वुमेन, है ना, तो यानी जिसमें वुमेन जैसे लक्षण होते हैं उसको हम एफिमिनेट बोलते हैं। एग्जाम्पल में देखा कि मेरे फ्रेंड ने जो आवाज निकाली वो कैसी आवाज निकाली, एफिमिनेट वॉइस निकाली। एफिमिनेट का मतलब महिलाओं जैसी आवाज निकाली, क्लियर है। इसका जब हम सेंटेंस में यूज कर लेते हैं तो रूट से तो हम शब्द को याद कर ही रहे हैं, सेंटेंस में याद करने से जब वो यूज में आ जाता है तो भी उससे आपके दिमाग में सेट होने में काफी हेल्प मिलती है, काफी सपोर्ट मिलता है। वेरी गुड इवनिंग पवन कुमार। सेकेंड नंबर देखिए, टू स्पीक विदाउट प्रीवियस थॉट और प्रेपरेशन, यानी बिना किसी तैयारी के, आप पहले की बिना किसी तैयारी के आप जब बोलते हो तो उसको एक्सटेम्पर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एक्सटेम्पोरी बोला जाता है। एक्सटेम्पोरी का मतलब होता है बिना तैयारी का। रूट देखिए इसका, ई एक्स को आप अलग करोगे, एक्स अलग हो जाएगा। और जो टेम्पोर शब्द है, देखो टेम्पोर, TEMPORE, और ये बेटा टेम्पोर शब्द आता है टाइम के लिए, और ये ईएक्स का मतलब हो गया आउट। तो इसका मतलब क्या है, समय के हिसाब से बाहर आ रहा है। ये क्या मतलब हुआ, समय के हिसाब से, आपके साथ कोई घटना घटित हुई तो आपने उस समय, समय की कोई पहले से तैयारी नहीं थी, आपने उस समय के हिसाब से अपना डिसीजन लिया। आप जैसे कहीं से चल के जा रहे हैं और जाने पे देखा कि मान लीजिएगा आप जैसे क्लास में आप बैठे हुए हैं और क्लास में कोई, क्लास में टीचर नहीं आए हुए तो क्या करते थे, तो आपको याद होगा तो टीचर लोग क्या करते थे, आपस में अंताक्षरी करा देते थे, जो आपने देखा होगा। तो वो एक्सटेम्पोर होता था। एक्सटेम्पोर का मतलब तैयारी का, जैसी सिचुएशन है बस उसी सिचुएशन के हिसाब से आप एक्ट करने लग जाओ, तो वो एक्सटेम्पोर होता है। तो वही ये रूट बोल रहा है कि एक्स लिखा हुआ है ना, एक्स का मतलब बेटा हो गया आउट और टेम्पोर का मतलब हो गया टाइम। ये रूट वर्ड है, आपको जितने भी शब्द मिलेंगे ना टेम्पोर वाले, उन सब का मीनिंग कहीं ना कहीं टाइम से रिलेट होगा। तो टेम्पोर मतलब टाइम हो गया, एक्स का मतलब आउट हो गया, जो समय के हिसाब से बाहर आ रहा है, हम समय के हिसाब से किस चीज को बाहर ला रहे हैं, तो वो एक्सटेम्पोर होता है। कोई तैयारी नहीं है, अब कोरोना वायरस का कोई किसी को कुछ नहीं पता था, तो इसकी जो तैयारियां हुई हैं, जो इतने वेंटिलेटर का निर्माण कर ली, वेंटिलेटर की व्यवस्था कर ली, इतने हॉस्पिटल्स बना लिए गए, ये सब एक्सटेम्पोर है। ये समय की डिमांड थी, ये कोई पहले से नहीं पता था कि इस समय ये COVID-19 आएगा, कोरोना वायरस आएगा, उस समय हम ऐसा करेंगे, तो ये बेटा आपका एक्सटेम्पोर हो गया, ठीक है।
आगे देखिए, हाँ मैं थोड़ा इधर लिखूंगा, तो ये आपका क्या हो गया, एक्सटेम्पोर हो गया। तो एक्सटेम्पोर इधर लिख देता हूं मैं, देखो वैसे ये स्क्रीन पे लगा हुआ है, वही लिखा हुआ था। तो एक्सटेम्पोर का मतलब हो गया जो समय की डिमांड के हिसाब से किया जाए, बिना तैयारी के हो, वो आपका एक्सटेम्पोर है। एग्जाम्पल देखो, एक्सटेम्पोर टॉपिक्स वर गिवन, एक्सटेम्पोर का मतलब बिना तैयारी के टॉपिक दिए गए थे टू द स्टूडेंट्स, किसको, छात्रों को, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन, अगला देखिए, सर स्क्रीन से क्वेश्चन हटा दीजिए, दिखाई नहीं दे रहा है। अमन कुमार में अब की बार इधर लिखूंगा थोड़ा, है ना, बाकी ये स्क्रीन पे इसलिए लगा हुआ है कि तुमको दिखाई दे, तुम उसको नोट कर पाओ। तो आज हमने पहला वर्ड डिस्कस किया एफिमिनेट्स, फेमिना फीमेल के लिए आता है, तो जिसमें फीमेल जैसे लक्षण होते हैं उसको एफिमिनेट बोलते हैं। दूसरा हमने डिस्कस किया एक्सटेम्पोरी, एक्सटेम्पोरी का मतलब होता है, एक्स का मतलब होता है आउट, टेम्पोर का मतलब होता है टाइम, जो सिचुएशन या कोई एक्शन आप टाइम के हिसाब से ले रहे हो, समय की मांग के हिसाब से ले रहे हो, वो एक्सटेम्पोरी होती है, यानी कि बिना तैयारी का होता है। आज जो गवर्नमेंट्स हैं वो फाइट कर रही हैं कोरोना वायरस से, ये एक तरीके से एक्सटेम्पोरी है, बिना पूर्व तैयारी का है। नेक्स्ट देखिए बेटा, तीसरे नंबर के क्वेश्चन को देखिए। हाँ भाई, पहला हो गया, तीसरे नंबर का क्वेश्चन मैं लगा देता हूं, हाँ भाई तीसरे नंबर का क्वेश्चन, ये चेंज नहीं हो रहा है, एक मिनट बेटा। अमन शर्मा, वेरी गुड इवनिंग डियर, कमल किशोर अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं, एक मिनट। कुमार में अभी बस आगे करा रहा हूं, देखो अभी ये स्क्रीन पे आप सेट हो जाएगा। नेक्स्ट सर क्वेश्चन नंबर 3 लगाइए, हाँ हेमंत प्रताप वही लगा रहा हूँ मैं, 3 नंबर का क्वेश्चन ही लगा रहा हूँ। इसमें एक ही स्लाइड है,
थोड़ी देर के लिए पेशेंस रखें आप लोग। एक ही है किसमें? अब तो उसमें लैपटॉप में पड़ी होंगी। तो लैपटॉप में ले आओगे? इंग्लिश नोट्स में हाँ भाई देखिए हाँ भाई देखिए पीपीटी वाला ये क्वेश्चन नहीं लग पा रहा बेटा अभी, तब तक हम लोग, मैं ऐसे ही शब्द लिख रहा हूँ इस पे, नोट कर रहा हूँ आपके हो जाएं के लिए। चलो वो बाकी मैं उस पे टेलीग्राम चैनल पे आपको इसकी जो पीपीटी वो प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है भाई। अब देखिए अगला अगला शब्द लिखा हुआ है थर्ड नंबर का, वो है आपका मेडन स्पीच। मेडन स्पीच इसको समझो आप, देखो ये क्या है। मेडन स्पीच का मतलब होता है द फर्स्ट स्पीच गिवन बाय ए पर्सन, पहला स्पीच जो किसी व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है उसको मेडन स्पीच बोला जाता है। अब इसको देखो याद कैसे करोगे, इसका आप रूट समझिएगा। देखो ये जो मेडन है ना, मेडन वैसे आता है वर्जिन के लिए, या क्वारी लड़की को वर्जिन बोलते हैं रूट में देखें। तो क्वारी लड़की ने स्पीच दिया यानी पहला भाषण दिया है, तो वो आप इसे उसको लिंक कर सकते हो कि मेडन स्पीच का मतलब हो गया प्रथम भाषण। मेडन है पहला भाषण है, पहला यानी कि मेडन से आप याद कर लो, मेडन है शुरुआती है, तो वो उसका पहला भाषण हो जाएगा। आप ऐसे बोल सकते हो अगर इसमें आप एग्जाम्पल्स की बात करो तो मैनी लीडर्स कंग्रेचुलेट हिम ऑन हिज आउटस्टैंडिंग मेडन स्पीच, यानी बहुत से लीडर्स ने उसके आउटस्टैंडिंग स्पीच पर उसको क्या दिया, व्हाट्स योर प्रॉब्लम सर जी, हेमंत प्रताप। वो बेटा फाइल में दिक्कत आ गई है, फाइल ओपन नहीं हो रही है, मैंने चेंज कराने के लिए भेज दिया अभी, तो चेंज करा के अभी लगा रहे हैं ना, वो वाली फाइल ओपन नहीं हो रही है, पता नहीं उसमें क्या प्रॉब्लम थी, हेमंत प्रताप ये था, ठीक है भाई। तो मेडन स्पीच का मतलब होता है प्रथम भाषण। आगे देखिए आगे लिखा हुआ है, नेक्स्ट वर्ड लिखा है आपका पेनेसिया, PANACEA, इसको समझिए। देखो भाई पेनेसिया को कैसे याद करोगे, इसका मतलब होता है रिमेडी, रिमेडी फॉर ऑल डिजीज, यानी ऐसी कोई बीमारी, वो ऐसी कोई ऐसा कोई दवा जो इलाज करे सारी बीमारियों का या एक से ज्यादा बीमारी का, उसको हम रिमेडी बोलते हैं। अब इसको समझिएगा, देखो तो पेनिसिया लिखा हुआ है, तो पेनिसिया का मतलब वैसे ही इसमें देखें तो पेनिसिया को इसको हम माइंड मैपिंग से बहुत अच्छे से लिंक कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है PAN, इसको बना लो पान और ये बन जाएगा एशिया। एशिया महाद्वीप में एक ऐसा पान पाया जाता है जो एक से ज्यादा बीमारियों के काम में आता है, पान के पत्ता जैसा ही होता है वैसे, ये औषधि होती है एक, तो एशिया में एक ऐसा पान है जो एक से ज्यादा बीमारियों का इलाज कर सकता है, उसको पेनेसिया बोला जाता है, यानी रामबाण औषधि भी कह सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, जो हर मर्ज की दवा होती है उसको क्या बोला जाता है, पेनेसिया बोला जाता है, यानी कि रामबाण बोला जाता है। अगला शब्द देखिए, अगला शब्द लिखा हुआ है आपका इलेजिबल, इलेजिबल नेक्स्ट वर्ड देखिए बेटा, इलेजिबल अगला शब्द है ILLEGIBLE, GIBLE, इलेजिबल इसको समझिए। इल का मतलब होता है, ये जो इल है इस इल का मतलब होता है नॉट, और ये जो लेजिबल है ये शब्द बना हुआ है लेजियर से बना हुआ है, और लीजर का मतलब होता है बेटा टू रीड यानी कि पढ़ना, तो इसका मतलब हुआ नहीं पढ़ना, इसका मतलब क्या हुआ, इल्मिस हो गया नॉट, और लीजर का मतलब होता है टू रीड यानी कि पढ़ना, इसका मतलब हुआ ऐसी कोई चीज
जिसको आप पढ़ नहीं सकते हो उसको इलेजिबल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इलेजिबल बोला जाता है। एक मिनट बेटा, बस अभी लगा ही रहे हैं इसको, ठीक है, परेशान ना हो, बस 2 मिनट का पेशेंस बनाए रखें और उसके बाद में आपका फिर वैसे ही शुरुआत हो जाएगी। हाँ भाई, 2 मिनट के लिए आप लोग पेशेंस बनाए रखें। दो मिनट रुके रहे हैं आप लोग, बस 2 मिनट में अभी नीचे वाला यही है ना सारी। तक आप इसका रिवीजन कर लीजिएगा और बस वैसे ही शुरुआत होती है। 2 मिनट का आप लोग पेशेंस बनाए रखें। हाँ, तब तक आप लोग, हाँ बेटा, लाइक और शेयर कर दो। तब तक सब लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हाँ भाई, हाँ तब तक कुछ लोग, हाँ डिसलाइक कर रहे, कर लो डिसलाइक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए आप लोग। नीचे जाओ ना, एड फाइल्स आते तभी तो दिक्कत हो जाती है इसमें। हम लोगों का चलता है ऐसे, इसी तरीके से आगे करते हैं तब तक डिस्कस। देखिए बेटा, अब अगला शब्द है आपका इलिटरेट, दिख रहा है? अगला शब्द है आपका इलिटरेट। देखिए, इलेजिबल हो गया, इलमिस हो गया नॉट, लेजिबल को बना लो लेजियर से, इसका मतलब होता है टू रीड, जिसको नहीं पढ़ा जा सकता है वो इलेजिबल होता है। अब है अगला शब्द इलिटरेट, इलिटरेट, ठीक है? तो इलमीस होता है बेटा नॉट, और लिटरेट मीस होता है एजुकेटेड। एजुकेटेड का मतलब होता है शिक्षित, है ना? तो इसका मतलब है कि जो व्यक्ति शिक्षित नहीं है वो इलिटरेट है, निरक्षर है। तो इलिटरेट के लिए आता है पर्सन हु कैन नीदर रीड और राइट, एक ऐसा व्यक्ति जो न तो पढ़ सकता है और ना ही वो लिख सकता है, ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है इलिटरेट। तो हमने यहां पे देखा कि इसका रूट क्या था, इलमिस था नॉट, और लिटरेट का मतलब था एजुकेटेड, जो व्यक्ति पढ़ा हुआ नहीं है वो इलिटरेट है। इससे पहले पढ़ा हम लोगों ने इलेजिबल, इल का मतलब होता है नॉट, और जो लेजिबल है वो शब्द बना हुआ है आपके लीजियर से, और लीजियर का मतलब होता है टू रीड, पढ़ना। जो अब इसका मतलब पढ़ना और नॉट का कनेक्शन मिल रहा है आपको, जो नहीं पढ़ा जा सकता है वो आपका क्या होता है, वो आपका इलेजिबल होता है। अगला शब्द देखिए इलीगल, फिर इसी से रिलेटेड है, कंट्रारी टू लॉ, ऐसी कोई चीज जो कानून के विरुद्ध हो वो आपकी इलीगल होती है।
तो इसमें शब्द लिखा हुआ इलीगल। अब देखना, इमिस होता है बेटा नॉट, और लीगल का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू लॉ। लीगल का मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू लॉ, यानी कोई ऐसी चीज जो नियम के हिसाब से नहीं है वो इलीगल होती है, अवैध होती है या गैर कानूनी होती है। ठीक है बेटा, तो इलेजिबल भी हो गया जो पढ़ा नहीं जा सकता, इलिटरेट भी हो गया जो पढ़ नहीं सकता या जो पढ़ा लिखा नहीं है निरक्षर हो जाएगा। इसी से इलिटरेसी शब्द बना होता है जिसका मतलब होता है निरक्षरता। इसके बाद में फिर तीसरा आया इलीगल। इलमिस होता है नॉट, लीगल का मतलब होता है कानूनी या कानून के हिसाब से। जो चीज कानून के हिसाब से नहीं होती है वो इलीगल होती है। ठीक है, कंट्रेरी टू लॉ। अब देखिएगा अगला शब्द आपका लिखा हुआ है, नेक्स्ट है बैंकरप्ट। क्या लिखा हुआ है? बैंकरप्ट। इसको समझिए भाई, शब्द लिखा हुआ है बैंकरप्ट। अब मैं इसको आपको दोनों तरीके से बताऊंगा भाई। बैंकरप्ट का मतलब है अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने कर्ज को पे करने में असमर्थ होता है उस व्यक्ति को बैंकरप्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बैंकरप्ट बोला जाता है। देखो आपके सामने भी आ गया शब्द अब तो, है ना? तो आपके पेशेंस के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखो ये दिया हुआ है, देखो सामने वो शब्द आ चुका है। हाँ भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ बेटा, वर्ल्ड ही हो रहा है। हाँ भाई देखिए, ठीक है अब ये शब्द आ गया है। तो देखो ये लिखा हुआ है इलिटरेट। अब इसमें देखना रूट को समझो इसका। आईएल लिखा है, इसका मतलब होता है नॉट, और लिटरेट का मतलब होता है एजुकेटेड। ये हो ही गया, निरक्षर होता है, बिना पढ़ा लिखा होता है। इसमें देखें तो आप कह सकते हो एवरी इलिटरेट पर्सन, हर एक निरक्षर व्यक्ति इज अ कैरिकेचर। कैरिकेचर का मतलब व्यंग होता है, हंसी का पात्र होता है, ऑफ हिमसेल्फ, वो खुद में ही एक हंसी का पात्र होता है। तो जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होता है वो खुद में ही एक कैरिकेचर होता है। वो क्या है सर? कुछ क्लियर नहीं है। अच्छा क्लियर नहीं है बेटा, ये तो स्क्रीन पे दिख रहा होगा ना क्वेश्चन? क्वेश्चन तो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हेमंत प्रताप सिंह बताना बेटा, ये क्वेश्चन नहीं दिख रहा आपको क्या स्क्रीन पे? हाँ भाई एक बार हेमंत बताओ, क्या ये आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा है? हेमंत, देखो मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर लेता हूं। देखो भाई, हम लोगों ने यहीं पे छोड़ा था। देखो मेडियन स्पीच से ही हुआ था, समझो इसको। मेडियन स्पीच का मतलब होता है द फर्स्ट स्पीच डिलीवर्ड बाई पर्सन, किसी व्यक्ति के द्वारा जो स्पीच दिया जाता है, पहला स्पीच दिया जाता है उसको मेडियन स्पीच बोला जाता है। मैनी लीडर्स कंग्रेचुलेट हिम, बहुत से लीडर्स ने उसको बधाई दी ऑन हिज आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मतलब शानदार, मेडियन स्पीच पर, प्रथम भाषण पर। फोर्थ नंबर पे लिखा है रिमेडी फॉर ऑल डिजीज, हर मर्ज की जो दवा होती है ना वो पैनेसिया होती है। पैनेसिया का मतलब, इसका रूट देखो ग्रीक रूट है, कहीं लैटिन मिलता है तो इसका ग्रीक है, इसीलिए थोड़ा पेन किया लिखा हुआ है। देखिएगा पेन मीन्स ऑल होता है, अकोस का मतलब इलाज होता है, जो सबका इलाज है वो रामबाण होता है। एग्जाम्पल में देखें, एट प्रेजेंट, अभी वर्तमान में देयर इज नो पैनेसिया, कोई रामबाण नहीं है फॉर द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जो हमारे यहाँ बेरोजगारी है ना उसका कोई रामबाण नहीं है अभी वर्तमान स्थिति में। बोलो बेटा इतना क्लियर हुआ, पैनेसिया हो गया। अब देखिए आप अगला शब्द, डेट कैन नॉट बी रेड, जिसको तुम पढ़ नहीं सकते हो, इलेजिबल है। इल का मतलब होता है बेटा नॉट, लेजिबल लीजियर से आया है, देखिए उसमें तो लीजियर ये क्या है, लीजियर का मतलब होता है फॉर रीड, पढ़ने के लिए आता है। तो जो पढ़ा नहीं जाए, यानी जिस चीज को तुम पढ़ नहीं सकते हो वो इलेजिबल होती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, हिज नोट्स आर ऑलमोस्ट इलेजिबल, उसके जो नोट्स हैं ना वो कैसे हैं बेटा, इलेजिबल हैं, अपठनीय है, पढ़े नहीं जा सकते। सिक्स नंबर पे देखिए, पर्सन हु कैन नीदर रीड और राइट, एक ऐसा व्यक्ति जो न तो पढ़ सकता है ना ही लिख सकता है, ऐसे व्यक्ति को इलिटरेट बोला जाता है। हमने इस वर्ड को ब्रेक किया, इलमिस होता है नॉट और लिटरेट का मतलब होता है पढ़ा लिखा। ऐसा व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है अनपढ़ होगा, निरक्षर होगा। एग्जाम्पल देखिए, एवरी इलिटरेट पर्सन इज अ कैरिकेचर, हर एक निरक्षर व्यक्ति अपने आप में एक व्यंग होता है, ऑफ हिमसेल्फ यानी खुद में। कैरिकेचर का मतलब होता है बेटा व्यंग होता है। आगे देखिए सेवन नंबर, कंट्ररी टू लॉ,
कंट्रेरी का मतलब विरुद्ध हो, किसके, कानून के। तो हमने देखा इलीगल इलमिस होता है नॉट, और लीगल का मतलब होता है कानूनी यानी वैध। कोई भी ऐसी चीज जो कानूनी नहीं होती है वो इलीगल होती है। देखिए रूट इलमिस होता है नॉट, और लीगल का मतलब लेगलिस, ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू लॉ यानी कि नियम के हिसाब से। चाइल्ड मैरिज इज इलीगल इन अवर कंट्री, जो बाल विवाह है वो अपने देश में क्या है, अवैध है, कानूनी नहीं है। 8 नंबर देखिए बैंकरप्ट, अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे डेब्ट्स, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने कर्ज को नहीं पे कर पाता उसको बैंकरप्ट बोला जाता है। इसमें एक शब्द और दिया हुआ है इनसॉल्वेंट, देखना बेटा इनसॉल्वेंट, यही शब्द लिखा हुआ है, देखें आप शब्द लिखा हुआ है इनसॉल्वेंट, इसको समझना बेटा। इन कल भी हमने डिस्कस किया था, जहां कहीं भी इन मिले, इम मिले, अन मिले, डिस मिले, ये बेटा किसकी बात करते हैं, नॉट की। तो इमिस हो, इनमिस हो गया बेटा नॉट। सॉल्वेंट आप जानते हैं क्या होता है, सॉल्वेंट मतलब होता है पेइंग, पे करना। तो देखो ये तो मीनिंग निकल के आ रहा है, पेइंग नॉट यानी जो व्यक्ति पे नहीं कर पाता उसको इनसॉल्वेंट बोला जाता है या बैंकरप्ट बोला जाता है। बैंकरप्ट वैसे इसका रूट आप देखें तो इटालियन भाषा से इसका रूट है लिंक, देखो इसको बोलते हैं, ये बना हुआ शब्द है बैंका रोटा से, और बैंका बैंकरप्ट बना हुआ है बैंका रोटा से, और बैंका रोटा का मतलब टूटी हुई बेंच है। आप ऐसे बना लीजिएगा, टूटी हुई बेंच है, उसके पास कुछ भी नहीं है, यानी वो बिल्कुल व्यक्ति कैसा हो गया है, क्योंकि टूटी बेंच है, बेंच तक नहीं सही करवा पा रहा है, मतलब वो दिवालिया है, उसके पास कुछ भी नहीं है। तो कैसे भी आप इसको याद कर लीजिएगा। दूसरा आप इसको चाहो तो माइंड मैपिंग से भी लिंक कर सकते हो, जैसे ये लिखा हुआ है बैंक, और रप्टमीस होता है फाड़ देना, बैंक को फाड़ दे, क्या अब बैंक को नहीं फाड़ेगा, बैंक की रसीद उसने फाड़ दी, क्यों, गुस्से में आके, क्योंकि उसके पास पैसा जमा करने के लिए नहीं है, तो जो बैंक ने उसको रसीद दी होगी, जैसे दी होगी, उसको उसने फाड़ दिया, क्योंकि वो व्यक्ति बैंकरप्ट हो चुका है, एकदम दिवालिया हो चुका है। हाँ भाई हेमंत प्रताप, बेटा 3 नंबर में लगाऊंगा, लास्ट में लगाऊंगा, पहले एक बार कर लेते हैं फिर मैं 3 नंबर लगाऊंगा, ठीक है बेटा, तब तक इस पर फोकस करो आप लोग। अगला वर्ड देखिएगा 9 नंबर, अब यहां से आप देखिए रूट है, उनके साथ बहुत सारे आपको वर्ड्स भी मिलेंगे, थोड़ा सा आप फोकस को बढ़ाइए और देखिए कितने शानदार तरीके से चीज आपकी क्लियर होंगी। बिब्लियोफाइल शब्द बेटा क्या लिखा हुआ है, बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफाइल, अब इसको देखना, बिब्लियो का मतलब होता है बेटा बुक, ये बुक की बात करता है, और फाइल है ये लव के लिए आता है, फाइल या फिल है वो लव के लिए आता है। तो बुक से लव यानी एक ऐसा व्यक्ति जो किताबों से प्रेम करता है उसको बिब्लियोफाइल बोला जाता है, बिब्लियोफाइल यानी ए लवर ऑफ बुक्स। रूट देखो बिब्लियो बुक हो गया, फाइल का मतलब लव हो गया। एग्जांपल देखो, माय फ्रेंड इज अ बिब्लियोफाइल, मेरा फ्रेंड है वो एक पुस्तक प्रेमी है, हु कैन इजीली स्पेंड, जो बिता सकता है आवर्स घंटे इन अ लाइब्रेरी, जो लाइब्रेरी में घंटों रह सकता है, क्योंकि वो कैसा व्यक्ति है, पुस्तक प्रेमी व्यक्ति है। याद हो गया होगा, आप अपने किसी भी फ्रेंड से इसको लिंक कर सकते हो, ज्यादा पढ़ता है आप उससे बोल सकते हो यार ये व्यक्ति तो बिब्लियोफिलिक है, बिब्लियो बिब्लियोफिल बिब्लियोफाइल है, बिब्लियोफाइल का मतलब ये तो पुस्तक प्रेमी है, क्योंकि हमेशा पुस्तक को ही लिए बैठा रहता है। और ऐसा कोई ना कोई आपका दोस्त मिल ही जाता होगा जो कि कुछ आपस में ज्यादा ही पढ़ता होगा, है ना, वैसे ज्यादा पढ़ने वालों का ज्यादा अच्छा नहीं कि जो आप परफॉर्मेंस है वो इतना बेहतर नहीं होता है, क्योंकि वो सिर्फ किताबों पे ही ध्यान देते हैं, अपने दिमाग से कुछ नहीं सोचते हैं। लेकिन ऐसे बहुत से देखे होंगे कि दिन रात एक पढ़ते रहते हैं, वही है। अब देखिए नेक्स्ट, हाँ भाई अच्छा ये इधर को है बिब्लियोफाइल, बैंकरप्ट, गुड इवनिंग, हाँ भाई देखो ये लो आप लिख सकते हो आराम से, ये है, ये देखिए ये लिखा हुआ है, तो ये है बैंकरप्ट गया यहां से, बैंकरप्ट का मतलब क्या होता है, दिवालिया। अब आपने ये नोट कर लिया होगा, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अमन शर्मा, ठीक है बेटा, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, तो बिब्लियो हो गया बुक के लिए, बिब्लियो किसके लिए हो गया, बिब्लियो बेटा शब्द हो गया आपका बुक के लिए, और फाइल शब्द हो गया लव के लिए, क्लियर हो जाएगा। तो बिब्लियो का मतलब क्या है, बुक है, और फाइल का मतलब क्या है, लव है। अब इससे रिलेटेड और वर्ड्स को देखिए, देखो
एग्जाम्पल हो गया। अब देखो जू फाइल, देखा जू मीन्स बेटा क्या होता है, जू मीन्स होता है एनिमल्स के लिए आता है, चिड़िया अगर मीन्स जू मीन्स वैसे चिड़िया अगर होता है, लेकिन ऐसे मत लिखना कि जू का मतलब आप चिड़िया घर को कह के समझो चिड़िया ही रहती हैं। अरे जू में चिड़िया घर नहीं रहती, चिड़िया ही नहीं रहती हैं, अरे जानवर रहते हैं भाई जू में। तो जू से मिला आपको एनिमल्स, क्या मिल गया बेटा एनिमल हो गया। आगे क्या लिखा है फाइल, और फाइल अभी मैंने बताया था कि बेटा जहां भी फाइल आता है ये किसकी बात करता है, लव की बात करता है। तो इसका मतलब लव है किससे, एनिमल से। तो जो लवर ऑफ एनिमल्स होता है, जो जानवरों से प्यार करता है, उसको जू फाइल बोलते हैं। फिर देखिए अगला जीनो, देखो जीनो लिखा है, जीनो को लिंक करो, जीनो वैसे फॉरेनर्स के लिए होता है, फॉरेनर्स जानते हो जो विदेशी होते हैं, और फाइल का मतलब है लव। कोई ऐसा व्यक्ति जिसको विदेशियों से या विदेशियों की चीजों से लव होता है उसको जीनो फाइल बोला जाता है। देखो रूट एक ही चल रहा है, फाइल ही लव है, फाइल या फिलो जहां भी आएगा वो लव की बात करेगा। जीनो तुम्हें एक अलग रूट मिल गया, और जीनो का मतलब क्या होता है, जीनो का मतलब हो गया फॉरेनर्स विदेशी। और देखो बेटा ऐसा नहीं है, आपके ये वोकैब जितना आप देखो कोई भी लैंग्वेज में आप बहुत बेहतर तब कर पाते हो जितनी स्ट्रांग आपकी वोकैब होती है। तो वोकैब तो आप जितना ज्यादा इंक्रीज कर लोगे उतना ही आप राइटिंग में भी उतने ही बेहतर हो जाओगे, कॉम्प्रिहेंशन है उसको पढ़ने में आप उतने ही बेहतर जाओगे, अंडरस्टैंडिंग उतनी ही बेहतर होगी, जितनी अच्छी वोकैब होगी उतना ही अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग भी होगी। जीनो बेटा किसके लिए हो गया, फॉरेनर्स के लिए, फाइल का मतलब लव हो गया। तो जो फॉरेनर्स से लव करता है उसको जीनो फाइल बोला जाता है। फिलोगाइनी, क्या लिखा हुआ है फिलोगाइनी, फिर देखो फिल पहले आ गया बेटा, तो फिल का मतलब क्या होता है, लव होता है भाई, फिल पहले आ गया तो क्या होता है लव। और जो ये जी वाई एन लिखा है ना ये महिला के लिए आता है, वुमेन के लिए आता है। तो फिलो, और फिर बेटा किसके लिए हो गया, ये फ्लो शब्द आता है लव के लिए। तो इसका मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं से प्यार करता है, महिलाओं को पसंद ज्यादा करता है, उसको फिलोगाइनी बोलते हैं, औरत प्रेमी, औरत से प्रेम करने वाला। फिलैंथ्रोपी, कल वैसे हम लोगों ने एंथ्रोप रूट वर्ड को डिस्कस किया था, फिर समझिए एंथ्रोप आता है ह्यूमन बीइंग के लिए, मानव जाति के लिए, और फिल मींस लव होता है। फिलैंथ्रोप का मतलब हुआ फिल लव है, एंथ्रोप का मतलब मानव जाति, तो जो मानव जाति से प्रेम करता है उसको फिलो फिलैंथ्रोपी बोलते हैं, मानव प्रेमी। हाइड्रोफिलिक, केमिस्ट्री में खूब आप सुनते हो, हाइड्रो किसके लिए आता है बेटा, वाटर पानी के लिए आता है, और जो फिलिक लिखा है ये लव के लिए आता है। तो हाइड्रो का मतलब क्या हुआ, पानी हुआ, फिलिक का बेटा मतलब क्या हुआ, लव हुआ। तो ऐसा व्यक्ति जो पानी से ज्यादा लव करता है या जिसे पानी से ज्यादा फॉन्डनेस है, पानी ज्यादा पसंद करता है, पानी के पास में रहना ज्यादा पसंद करता है, ऐसे व्यक्ति को हाइड्रोफिलिक बोला जाता है। हैविंग लव फॉर वाटर, जिसे पानी के लिए लव होता है उसको हाइड्रोफिलिक बोला जाता है। इसमें वैसे फ्रेंड्स जो मैन था वो क्या था, मैन इसमें था फाइल मिले या फिलो मिले, लव की बात करेगा। इसमें और साथ भी हमें रूट्स मिल गए, हाइड्रो, अब इससे हाइड्रोफोबिया भी पढ़ सकते हो, हाइड्रोमेनिया भी पढ़ सकते हो, आगे डिस्कस करोगे, यही रूट तो आगे काम करेगा। एक देखो, एक आपने सिर्फ एक रूट पढ़ा है फिल, और देखो आपने कितने सारे वर्ड्स को डिस्कस कर लिया। जू चिड़ियाघर यानी जानवर रहते हैं, फाइल का मतलब लव हो गया जो जानवरों से लव करता है, जिनो विदेशियों से लव करता है, फिलोगाइनी औरत से प्रेम करता है, फिलैंथ्रोपी मानव जाति से लव करता है, हाइड्रोफिलिक जो पानी को पसंद करता है, पानी को ज्यादा पसंद करता है उसको हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। बोलो क्लियर है। आगे देखिए नेक्स्ट, अगला शब्द देखिएगा 10 नंबर का, ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, एक ऐसी सरकार जो लोगों के द्वारा होती है और लोगों के एक ऐसी सरकार जो लोगों के द्वारा होती है और लोगों के लिए होती है उसको डेमोक्रेसी बोलते हैं। ये कल हमने डिस्कस भी किया था, इसमें हम लोगों ने बेटा जो वर्ड डिस्कस किया था, अगर आप डेमोक्रेसी में बात करेंगे तो कल हमने देखा था कि इस डेमो का मतलब होता है बेटा पीपल, और क्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट। क्या मतलब होता है, इधर लिखता हूं मैं थोड़ा, इधर आ गया, जैसे डेमोक्रेसी कल हम लोगों ने डिस्कस किया ही था,
डेमोक्रेसी, तो डेमो बेटा किसके लिए आता है, शब्द यही है डेमोक्रेसी। डेमो आता है बेटा पीपल के लिए, और क्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट। तो जहां पर किसकी गवर्नमेंट होती है, लोगों की सरकार होती है, उसको लोकतंत्र बोला जाता है और वो डेमोक्रेसी होता है। देखो रूट, डेमो पीपल के लिए हो गया, क्रेसी गवर्नमेंट हो गया। दिस पॉलिटिकल सिस्टम इज द निगेशन ऑफ डेमोक्रेसी। ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है, आज का अपना पॉलिटिकल सिस्टम है, वो डेमोक्रेसी को नकारता है। कहाँ इतना डेमोक्रेसी का मतलब, आपने देखा प्रश्नकाल होता ही नहीं, तो डेमोक्रेसी कहाँ रही? जब हर व्यक्ति अपना क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, तो फिर कहाँ डेमोक्रेसी रही? वही कह रहा है कि ये जो आपका राजनीतिक सिस्टम है ना, ये डेमोक्रेसी को नकारता है। 11 नंबर देखिए, नॉट फिट टू ईट और कंज्यूम। कोई ऐसी चीज जो खाने के लायक नहीं है। कल पढ़ा था एडिबल, ईडियट से आया था, जिसका मतलब था जो चीज खाने लायक है। आज हम पढ़ रहे हैं एक ऐसी चीज जो खाने योग्य नहीं है, उसको बाइल बोला जाता है। बाइल का मतलब वैसे ये लिवर से एक तरीके का बाइल निकलता है, और बाइल वैसे ऑयल के लिए आता है, वहीं से लिया गया है। काला ऑयल होता है, उसको बाइल बोला जाता है। तो अब हमें तो लर्न करना है इसको। तो वाइल का मतलब काले ऑयल का तो यूज ही नहीं कर पाओगे आप, कहाँ खा पाओगे, कहाँ उसका यूज कर पाओगे। तो वही है, नॉट फिट टू ईट और कंज्यूम। कोई भी ऐसी चीज जो ईट करने के लायक नहीं है, वो वाइल होती है। एग्जाम्पल देखो, वाइल इज सीक्रेटेड बाई द लिवर। जो वाइल होता है वो किससे सीक्रेट होता है? वाइल है वो लिवर, यकृत से क्या होता है, निकलता है। आज साथियों, हम लोगों ने ये वर्ड्स को डिस्कस किया। देखो एक बार मैं फिर 30 नंबर के शब्द की तरफ जा रहा हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे इसमें। जैसे आपने देखा पहले नंबर से हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये है देखो, पहला था मैडन स्पीच। मैडन को आप कुआरे से लिंक कर लो, कुआरे का स्पीच है, यानी कुआरे पे इसने पहला स्पीच दिया था, तो वो मैडन स्पीच हो गया। वही लिखा है, द फर्स्ट स्पीच डिलीवर्ड बाई ए पर्सन, एक व्यक्ति के द्वारा जो प्रथम भाषण दिया जाता है उसको बेटा मैडन स्पीच बोला जाता है। एग्जाम्पल भी दिया था, बहुत से लीडर्स ने उसको बधाई दी उसके पहले भाषण पर, क्योंकि उसका जो पहला भाषण था वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग था, तो उस पर उसको बधाई दी गई। अब देख लेते हैं एक बार पहले से, एफिमिनेट पढ़ा, इसमें रूट मिला हमें फेमिना। फेमिना का मतलब था बेटा फीमेल, तो जो महिलाओं जैसे लक्षण दिखाता है, महिलाओं जैसी जिसमें आदतें होती हैं, ऐसे व्यक्ति को एफिमिनेट बोला जाता है। दूसरा हमने वर्ड डिस्कस किया एक्सटेम्पोरी। एक्स का मतलब होता है बेटा आउट, टेम्पोरी का मतलब टाइम पढ़ा हमने, जो टाइम के हिसाब से चीजों को करता है, यानी टाइम के हिसाब से, पूर्व तैयारी कुछ नहीं है, जैसी सिचुएशन बन गई वैसा काम किया गया, तो वो बिना तैयारी का होता है, एक्सटेम्पोरी बोला जाता है। तीसरे नंबर का हो ही गया पैनेसिया भी पढ़ लिया, पान एशिया, एशिया का पान रामबाण है, सबके लिए हर मर्ज की दवा कर सकता है, एशिया का पान पैनेसिया बना सकते हो। आगे देखिए नेक्स्ट, इलेजिबल। इलमीस होता है नॉट, लेजिबल का मतलब होता है लीजियर से बना है, जिसका मतलब होता है पढ़ना। जो नहीं पढ़ा जा सकता है वो इलेजिबल है, इलेजिबल है, इलिटरेट। इलमीस नॉट, लिटरेट माने एजुकेटेड, जो शिक्षित नहीं है, अनपढ़ होगा, पढ़ा लिखा नहीं होगा। इलीगल, लीगल आपने खूब सुना होगा, इलीगल अवैध हो गया। बैंकरप्ट, बैंकरप्ट का मतलब मैंने बोला था किससे बना हुआ है, बैंक का रोटा से बना हुआ है, जिसका मतलब टूटी वेंच होती है, यानी एकदम दिवालिया। इसका सिमिलर होता है इनसॉल्वेंट, इन मींस नॉट। सॉल्वेंट का मतलब होता है पिंग, जो अपना कर्ज नहीं पे कर पाता उसको इनसॉल्वेंट बोलते हैं। चाहो तो इससे इसका एक अपोजिट वर्ड भी मिल सकता है, वो सॉल्वेंट हो जाएगा। सॉल्वेंट का मतलब होता है जो अपने कर्ज को पे करने की क्षमता रखता है या पे कर देता है, उसको सॉल्वेंट बोला जाता है। अगला देखिए, नेक्स्ट वर्ड देखा हम लोगों ने बिब्लियोफाइल। बिब्लियो का मतलब होता है बेटा बुक, और फाइल का मतलब होता है लव, जो किताबों से प्रेम करता है उसको बिब्लियोफाइल बोला जाता है। इतना ही नहीं, इसमें हमने और वर्ड्स को भी डिस्कस किया। रूट यहां से पका कि जहां भी फिल मिले या फाइल मिले वो लव की बात करता है। फिर हमने जू, जू फाइल पढ़ा, जू का मतलब एनिमल्स हो गया, फाइल का मतलब लव, जो एनिमल से प्यार करे वो जू फाइल है। जीनोफाइल, विदेशियों से प्यार करे। फिलोगाइनी, महिला से प्यार करे। फिलेंथ्रोपी, मानव जाति से प्यार करे। हाइड्रोफिलिक,
जो पानी से प्यार करे, है ना। हाँ, ये हाइड्रोफिलिक मछलियां भी होती हैं। आगे देखिए 10 नंबर, डेमोक्रेसी हमने कल ही डिस्कस किया था, जब हमने शुरुआत की थी तो डेमोक्रेसी को डिस्कस किया था। मैंने कहा था क्रेसी एक फुटवर्ड होता है, गवर्नमेंट की बात करता है। अब क्रेसी से रिलेटेड भी हम बहुत सारे वर्ड्स डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले बाइल, बाइल काला होता है, ब्लैक होता है, जो यूज लायक नहीं होता है। तो वाइल का मतलब है कोई भी ऐसी चीज जिसको आप कंज्यूम नहीं कर सकते हो, ईट नहीं कर सकते हो, वो वाइल होता है। ध्यान रखिएगा, कल हमने एक शब्द एडिबल पढ़ा था, एडिबल और वाइल एक दूसरे के विपरीत हो गए, एक दूसरे के अपोजिट हो गए। एडिबल का मतलब है कोई ऐसी चीज जो खाई जा सकती है, वाइल का मतलब है कोई ऐसी चीज जो नहीं खाई जा सकती है। मुझे उम्मीद है कि यहां तक के सारे वर्ड बच्चों आपके क्लियर हुए होंगे। जिसमें रूट आपके लिए ये सबसे महत्वपूर्ण हो, यही अलग है। रट्टा तो मरवा सकते थे, आप आंख बंद करके उसको रट्टा मार सकते थे, लेकिन आप सुनिए फिल ऑफ फिलो से कितने शब्द आप तैयार कर सकते हो। हाइड्रो मिल गया, हाइड्रो नहीं कहां कहां आपको, के बाद में इससे आगे के वर्ड्स और जो लिखे हुए हैं वो देख लीजिए एक बार, देखिएगा। क्रेसी से रिलेटेड वर्ड्स लिखे हुए हैं, क्रेसी। जहां भी बेटा आपको क्रेसी शब्द मिले, क्या मिले, क्रेसी, हालांकि मैंने कल डिस्कस किया था। और जहां भी क्रेसी मिलता है वो गवर्नमेंट की बात करता है, सरकार की बात करता है। देख पहला अरिस्टो, अरिस्टो का मतलब होता है बेस्ट, हाई सोशल कह सकते हो, पैसे वाला कह सकते हो, इसको लिंक कर सकते हो। अपने यहां एक अरिस्टोटेलर है, अच्छी पढ़ाई करता है, अच्छे कपड़े आते हैं, खूब पैसा कमा लिया उसने, तो हाई सोशल क्लास में आने लगा। तो अरिस्टोक्रेसी का मतलब हुआ रूल बाय द बेस्ट ऑफ हायर क्लास पीपल, जहां पर सरकार या जहां पर शासन बेस्ट पीपल के द्वारा चलता है वो अरिस्टोक्रेसी होता है। ऑटोक्रेसी देखिए, तुम खुद इसको बेटा ब्रेक कर सकते हो, मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि आप इसको रटो, व्हाट मेरा जवाब नहीं है, मेरा फोकस इस बात पर नहीं है कि आप उसको रट्टा मार लें, आप ये देखें कि आप शब्द को तैयार कैसे करें। ये आज की नहीं भी आपका एक बिल्डिंग बना के तैयार करेगा, क्योंकि ये पूरा अंग्रेजी में जहां भी आप देखेंगे रूट सब जगह सेम काम करता है, शब्द भी तैयार हो रहा है और उससे आगे के रूट भी तैयार होते चल रहे हैं। आगे देखिए ऑटोक्रेसी, ऑटो मीन्स होता है बेटा स्वयं, सेल्फ, और क्रेसी मीन्स होती है गवर्नमेंट, किसी एक व्यक्ति की सरकार होती है, जिसको मोनार्की भी बोला जाता है। मोनो मीन्स एक होता है, डाई मीन्स दो होता है, ट्राई मीन्स तीन होता है, ऐसे मोना का मतलब एक हो गया। तो ऑटोक्रेसी के सामने जो मोनार्की लिखा है इसका मतलब है एक व्यक्ति की सरकार। देखो ऑटो का मतलब हो गया सेल्फ, क्रेसी का मतलब हो गया गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बाई एन इंडिविजुअल, जो एक व्यक्ति की सरकार होती है उसको ऑटोक्रेसी बोला जाता है। आगे देखिए ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरो आपने सुना ही होगा बेटा, ब्यूरो, ब्यूरो का मतलब होता है ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स का मतलब जानते हैं आप, आधिकारिक, और क्रेसी का मतलब हो गया गवर्नमेंट, जहां अधिकारियों की सरकार होती है उसको ब्यूरोक्रेसी बोला जाता है। ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग भी कई बार पूछी गई है, क्यों, क्योंकि स्पेलिंग BURE होता है, स्टूडेंट ब्यूरो को सीधे ऐसे लिखने की कोशिश करता है, गलत हो जाएगा ऐसे BURO, ये तो गलत हो जाएगा ब्यूरो, जबकि स्पेलिंग क्या है, इसकी स्पेलिंग है ब्यूरो, इसमें लिखा हुआ है ब्यूरो, ब्यूरो का मतलब ऑफिस, क्रेसी का मतलब है गवर्नमेंट, है ना। तो ब्यूरोक्रेसी का मतलब जहां ऑफिसर्स की सरकार होती है, अफसरशाही बोलते हैं, वो ब्यूरोक्रेसी होता है, वो क्या होता है, ब्यूरोक्रेसी। आगे देखिए अगला नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है गारंटोक्रेसी, देखो गारंटो, गारंटो का मतलब होता है ओल्ड एज, बुढ़ापा, क्रेसी का मतलब होता है बेटा गवर्नमेंट। तो जब बुढ़ापे की सरकार हो, मतलब बुजुर्ग लोगों की जहां सरकार होती है, गवर्नमेंट बाई ओल्ड एज पीपल, जहां पर सरकार बूढ़े लोगों की होती है उसको गारंटो कहते हैं। बच्चे इसको लिंक भी कर लेते हैं, और वो इसको लिंक करके ऐसे देखते हैं कि गारंटो लिखा है, गारंटो बोलते हैं बूढ़े की कोई गारंटी नहीं होती, तो जैसे ही गारंटो शब्द आता है तो वो गारंटी से लिंक कर लेते हैं कि बड़े बूढ़े की कोई गारंटी नहीं है साहब, कब चला जाए। तो गारंटो का मतलब हो गया ओल्ड एज के लोग, बूढ़े लोग, और क्रेसी का मतलब गवर्नमेंट हो गया। तो गारंटोक्रेसी का मतलब हो गया बड़े बूढ़े लोगों पर शासन करते हैं, उसको गारंटोक्रेसी बोला जाता है। गायन अभी आपने पढ़ा था, फिलोगायनिस्ट, है ना, या फिलोगायनिक पढ़ा था अभी आपने,
फिलो का मतलब लव था, गायन औरत था, करता था वो फिलोगाइनिक था। अभी पढ़ गया है आप, देखो वही आ गया। गायनोक्रेसी, देखिए गायनोक्रेसी, अब गायनोक्रेसी का मतलब जी वाई एन ई सी आर ए सी वाई, गायनिक सही कर लेना इसकी स्पेलिंग। अब इसमें देखो भाई आप क्या लिखा हुआ है, गायनोक्रेसी। अब गायनो का मतलब हो गया वुमेन, क्रेसी का मतलब हो गया गवर्नमेंट, तो गायनोक्रेसी हो गई जहां महिलाओं की सरकार होती है, जहां महिलाएं शासन करती हैं, उसको गायनोक्रेसी बोला जाता है। आगे देखो हेगियोक्रेसी, फिर आ गई। हेगियो बेटा रूट है, जिसका मतलब होता है होली, और क्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट, होली का मतलब होता है पवित्र, तो जहां पर पवित्र लोग होली एक लोग शासन करते हैं उसको हेगियोक्रेसी बोला जाता है। कमल किशोर बेटा टाइम तो ओवर हो गया है, लेकिन मैं वर्ड्स को इनको बीच में नहीं छोड़ना चाह रहा, अभी टाइम ओवर नहीं हुआ है, 53 है, जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो बेटा कमल किशोर, अगर आपको ऐसा लग रहा है। इन चीजों का इंपॉर्टेंस समझिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंस है बेटा ये। उसी तरीके से मैं आपको एक छोटी सी एक बात बताता हूँ, फिर उसके बाद में आगे कंटिन्यू करेंगे। आपने एक बार क्या हुआ कि एक बार दो व्यक्ति काम कर रहे थे, ईंट बना रहे थे ईंटें, एक अनुभवी बुजुर्ग व्यक्ति का वहां से गुजरना हुआ, उनने पहले व्यक्ति, दोनों व्यक्ति काम में लगे हुए थे, पहले से पूछा व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो। उनने जवाब दिया दिखाई नहीं दे रहा आपको, ईंट बना रहा हूं। ठीक है भाई, समझदार व्यक्ति थे, बुजुर्ग थे, दूसरे से पूछा भाई क्या कर रहे हो। उन्होंने जवाब दिया साहब मैं एक इमारत का निर्माण कर रहा हूँ। इमारत का निर्माण कर रहे हो मतलब, तो देखो दोनों की बातों में अंतर था, दोनों ही ईंटें बना रहे थे, लेकिन दोनों का करने का तरीका अलग था। वो कह रहा था कि नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, ईंट बना रहा हूँ, दिख नहीं रहा आपको। एक कह रहा था मैं इमारत का निर्माण कर रहा हूँ, यानी उसके दिमाग में ये इमारत की उसने नींव पहले ही रख दी। और आप सोचिएगा जिस व्यक्ति का ये जवाब था कि मैं आपको नहीं दिख रहा ईंट बना रहा हूँ, वो व्यक्ति पूरी जिंदगी भर तक लेवर ही रहा, और जिस व्यक्ति का ये जवाब था कि मैं इमारत का निर्माण कर रहा हूँ, वो आग जाके एक बहुत बड़ा आर्किटेक्ट बना। समझ रहे ना आप। वैसे ही मैं शब्दों को रटा नहीं रहा, जो कि आप बोले क्या कर रहे हैं सर, मैं वोकैब को याद कर रहा हूँ, वोकैब नहीं याद कर रहा, मैं आपकी बिल्डिंग को बनाने तैयार कर रहा हूँ। अभी आप देखो आपकी आंखों के सामने ये क्रेसी से ही आपने कितने सारे वर्ड्स डिस्कस कर लिए, कहीं भी क्रेसी मिलेगा आप क्रेसी के वर्ड से तुरंत आप उसको इमेजिन कर सकते हो, लिंक कर सकते हो ये शब्द कहां को लिए जा रहा होगा। देखिए हैगियो होली के लिए आ गया, और क्रेसी का मतलब गवर्नमेंट होता है, तो हैगियो क्रेसी का मतलब हुआ जो गवर्नमेंट किसी होती है बेटा, होली पीपल होती है, उसको हम हैग्योक्रेसी बोलते हैं। और देखो अभी क्रेसी पर ही आइसोक्रेसी, आइसो का मतलब होता है इक्वल, और क्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट, जहां पर समान लोगों की, यानी जहां पर राजनीतिक पावर सब लोगों पर समान हो, उसको आइसोक्रेसी बोलते हैं। आइसो का मतलब समान होता है, ये रूट होता है, आइसो सेल सुना होगा आपने। देखो गवर्नमेंट इन विच ऑल पीपल शेयर इक्वल पॉलिटिकल पावर, जिसमें सब लोगों के पास बराबर राजनीतिक शक्ति होती है, उसको आइसोक्रेसी बोलते हैं। मेरिटो, मेरिट बेटा किसकी लगती है, मैट का मतलब अर्नड भी होता है, और मैट का मतलब इंटेलिजेंट भी होता है ना, जो क्वालिटी हो। और क्रेसी का मतलब गवर्नमेंट या रूलर शासक होता है, रूल बाय द पीपल हु हैव पावर और मनी ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी, अपनी योग्यता के बेस पर जिसमें पावर होती है वो शासन करता है, उसको मेरिटोक्रेसी बोलते हैं। मोनोक्रेसी, ये तो तुम खुद ही सोच सकते, मिस हो गया बेटा एक, और क्रेसी मिस हो गया गवर्नमेंट, एक की सरकार होती है उसको मोनार्की बोला जाता है। देखो मोनो एक की सरकार, एक व्यक्ति की, इसी को राजतंत्र भी बोला जाता है। ब्रिटेन में मोनार्की है, इंग्लैंड में जो विक्टोरिया रानी है वो ये मोनार्की है, एक राजतंत्र जैसा चला आ रहा है। प्लूटो, प्लूटो का मतलब होता है वेल्थ, धन, प्लूटो के पास बहुत धन था, आप ले कर सकते हो, और क्रेसी में होती है गवर्नमेंट, तो इसका मतलब हुआ जहां पर धनी लोगों की सरकार होती है उसको प्लूटो बोला जाता है। ये साथियों हमने सिर्फ क्रेसी रूट को लिया, और उसके साथ जो रूट वर्ड्स थे उनके सपोर्ट से आज कम से कम 10 से 15 बार आपने क्रेसी पर ही डिस्कस कर लिया। अगर रूट नहीं होता तो आपका दिमाग वहीं तक फिक्स होता। क्रेसी आप एक ही याद करो, सिर्फ आप डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी को याद करो, प्लूटोक्रेसी है तो प्लूटोक्रेसी को ही याद करो, लेकिन आप उसको समझो कि क्रेसी किसकी बात कर रहा है, गवर्नमेंट की बात कर रहा है, और प्लूटो किसकी बात कर रहा है, की बात कर रहा है, इसका मतलब धनी लोगों की जहां सरकार होती है वो प्लूटोक्रेसी होती है।
अब रूट आपको क्लियर है तो कहाँ बचेगा, सब क्लियर होगा। तो नेक्स्ट हम आपके साथियों, ये थी आज की वोकैब, जो बहुत ही कम समय में, थोड़ा आज टाइम थोड़ा सा बीच में व्यवस्था गड़बड़ हो गई, इस वजह से चीज़ नहीं हो पाई। और मैं साथियों, आप लोग बस लाइक और शेयर कीजिएगा, इसी तरीके से आपको सारी वोकैब तैयार करा दूंगा, सारी वोकैब माइंड मैपिंग और रूट वर्ड्स पे। आप देखिए, कम से कम एक अमूमन आप देखें, जैसे जो एकेडमिक वाले होते हैं तो उनके लिए तो कम होता है, अगर सब सिनोनिम्स एंटोनिम्स मिला लोगे तो लगभग 400-500 के आसपास बैठेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मिनिमम आपके पास 2,500-3,000 वर्ड होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 तक होने चाहिए। 5,000 तक हो तो आप बहुत बेहतर कर जाएंगे, अच्छा कर जाएंगे। तो मैंने कहा है कि जो मैं ये आपको वोकैब कराऊंगा, ये वोकैब बेटा बेसिक से कराऊंगा मैं, बेसिक ये आती है सब। एयरफोर्स का पेपर देने या 12th से आप देखेंगे बहुत सारी आपको वोकैब मिलेगी, बेसिक से चलेंगे टॉप तक सारी वोकैब आपको तैयार करा दूंगा। ग्रामर आपकी चली रही है, ग्रामर में कोई रटना नहीं है। अगर मैं यूट्यूब पे कर रहा हूँ, यूट्यूब से कई चीजें होंगी मेहनत के साथ, यही है जितना हो सके लाइक और शेयर करें। नेक्स्ट साथियों, मैं आपसे मिलूंगा अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय।